दोस्तों हरियाणा में नौकरी के लिए इतने शोध चल रहे हैं, इतनी रिसर्च हो रही है, नासा के वैज्ञानिक भी फेल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली ना डेली कुछ ना कुछ चेंजेस मिलते रहते हैं और उनके वो क्या होते हैं लास्ट में असफल ही। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो एक तो ये चीज देखिए कि जो आपका भी सीईटी हुआ है, ठीक है, ग्रुप सी का सीईटी हुआ है और ग्रुप डी का जो है सीईटी अभी नहीं हुआ है, तो ग्रुप सी का जो सीईटी हुआ है उसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे गए, 5 नंबर उनको दिए गए जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं। लेकिन अब एडवर्टीजमेंट होने के बाद, पेपर होने के बाद 5 नंबर सभी को दे दिए गए जो हरियाणा से बाहर के भी हैं। इससे क्या होगा, हरियाणा के जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि बाहर वालों को भी 5 नंबर मिलेंगे। तो अब ये कहने की जो अगला सीटी होगा वो ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक ही पेपर लिया जाएगा और ग्रुप सी में सिर्फ क्या होंगे, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो एक सिस्टम से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यानी कि इंडिया लेवल का ये एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि बाहर वालों को भी 5 नंबर मिलेंगे और आपको भी 5 नंबर मिलेंगे। और हरियाणा जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हरियाणा के निवासी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि बाहर वाले को उस चीज का नहीं पता। बाकी सब रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीके तो दोस्तों एसएससी वाले कैंडिडेट बिल्कुल भी नजदीक नहीं लगने देंगे, बिल्कुल भी नजदीक नहीं लगने देंगे, जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, ये 4-5 स्टेट से दोस्तों आप लोगों के लिए तकड़ी फाइट होगी अगले सीटी के अंदर, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मुझे ऐसा पता है कि ये सीटी जो कह रहे हैं कि 20 सवाल अतिरिक्त होंगे, ये ड्रामा दोस्तों, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या चेंज होगा। अभी तक तो यही सीटी नहीं हुआ है कंप्लीट, अगले सीटी की तो बारी कहां भी, समझ रहे हो, अभी तो ये सीटी नहीं हुआ है, अगले सीटी का तो पता नहीं क्या क्या रूल चेंज जो होंगे। ठीक है, ये भी दोस्तों अखबार में देखा होगा, अपने गैर हरियाणवी सभी को जो है 5 नंबर दिए जाएंगे, चाहे कोई तमिलनाडु का है, चाहे केरल का है। ठीक है, उनकी दोस्तों इनकम वेरिफिकेशन की जाएगी, कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, उनके घर में सरकारी नौकरी है या नहीं है, तो दोस्तों कैसे कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, कितना लंबा प्रोसीजर होगा, और अगर किसी एक कैंडिडेट को भी गलत नंबर दे दिए गए या कुछ भी ऐसा हो गया तो दोस्तों तुरंत इसके ऊपर केस हो जाएगा, और कुछ ना कुछ मतलब तालमेल जो इसके अंदर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये भर्तियों को फंसाने वाली चीज है एक तरह से। ठीक है, एक दूसरा दोस्तों एक मामला ये है कि एचएसएससी के चेयरमैन ने के वह सचिव को किया गया तलब। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों एक कैंडिडेट को जो है 5 नंबर नहीं दिए गए थे, ठीक है, फादरलेस के, तो उसके लिए दोस्तों कोर्ट ने कहा कि भाई बहुत हो लिया, 2-3 साल से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि खुद को ही बुला लिया कि आप लोग ही खुद ही आ जाओ, चेयरमैन साहब और सचिव को। ठीक है, और ये सारे का सारा मामला दोस्तों अपने एसएससी सीईटी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है, सारी कटिंग कुटिंग अगर आपने, क्योंकि कटिंग में ही चल रहा है आज के दिन। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपका वीडियो तो दोस्तों 2-3 दिन में मुश्किल से 1-2 बनती है। ठीक है, तो सारी चीजें वीडियो में क्या बतानी, जब वही चीज आप अखबारों में पढ़ लेते हैं, वही चीज मैं ऐसे ऐसे पढ़ के बताऊंगा, तो उसका भी क्या बेनिफिट है, वो आप लोगों के लिए भी नुकसान रहेगा। ठीक है, और जो चीजें आप खुद से ही पढ़ेंगे वही चीजें मैंने बतानी है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अब जो है ग्रुप सी का जो सीईटी होगा, यानी कि ग्रेजुएशन बेस की लगभग 33 और ट्वेल्थ बेस की 3200 वैकेंसी हैं, यानी कि टोटल 5500 वैकेंसी हैं दोस्तों, और बाहर के जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो लगभग 5000 कैंडिडेट हैं। ठीक है, दूसरे स्टेट्स के जो 5000 कैंडिडेट हैं दोस्तों, ये दूसरे स्टेट्स के हैं। अब ये क्या करेंगे, ये अब इनमें भी अच्छी खासी फाइट करेंगे, क्योंकि 5 नंबर इनको भी मिल गए हैं, 2.5 नंबर इनको आगे भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जायज सी बात है, अब किसी को दोस्तों हरियाणा से ज्यादा तो कैंडिडेट जो है, मैं आपको बताऊं, 5 नंबर 2.5 नंबर ये ले जाएंगे, क्योंकि इनकी जो वेरिफिकेशन वो करना आसान काम नहीं होगा। अगर कोई बंबई का बंदा है वो कह दे कि मेरे तो घर में सरकारी नौकरी है नहीं या कुछ भी है, भाई अलग है क्या है, यहाँ पर तो दोस्तों फिर भी वेरिफिकेशन चलो हो जाएगी हरियाणा में, तो बाहर का क्या होगा क्या नहीं होगा ये ऊपर वाले को ही पता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक दिन है ना नई नई चीजें आती हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते, नए नए आइटम निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक तो फैला, उनको तो इधर आ जाना चाहिए हरियाणा में कि नए नए शोध करने हैं, तो इधर आ जाओ आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों अगर एक संभावित सी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मई 2023 से आपके मेंस के जो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 3-4 महीने मेंस चलेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लगभग 58 तरह के ग्रुप हैं, तो 58 तरह के ग्रुप हैं, यानी कि 58 आपके पेपर लिए जाएंगे, 58 पेपर लिए जाएंगे, तो दोस्तों 3-4 महीने उसके अंदर लग जाएंगे।
ग्रुप डी का दोस्तों अक्टूबर नवंबर, मेरे को लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में ही होगा क्योंकि मई 2024 के अंदर इलेक्शन है, तो अभी से ले लिया तो दोस्तों अभी फिर उनको ज्वाइनिंग भी देनी पड़ेगी क्योंकि वो करेंगे, ठीक है। और एक दोस्तों आपको मामला पता है, और ये ग्रुप सी का जो मेंस है दोस्तों, ये पहले टेक्निकल और मेडिकल लाइन वालों के होने की संभावना है, उसके बाद ही दोस्तों ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ वालों का नंबर आएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने बहुत पहले से ही कह रहा कि आप लोग एसएससी की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, अगर नहीं करोगे, ठीक है, आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में, या मुझे सर आपको क्या पता कि एसएससी क्या चीज है, तो माय डियर मैंने दो बार जो है सीजिल क्लियर कर रखा है, फाइनली सिलेक्टेड हूं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को फाइनली अगर आप नहीं भी करोगे ना तैयारी, तो भी आपके पास ये जो एसएससी के कैंडिडेट है ना, इन्हीं से फाइट करनी है, मत करो तैयारी आप, अगर आपको लग रहा है ऐसा तो मत करो तैयारी, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग दोस्तों, इनको जो है कैंडिडेट को 2019 में भर्ती निकली थी, अब 2020, 21, 22 और अब आ गया है 23, ठीक है। और एक से दो महीने तक दोस्तों यह वहां पर कड़ाकड़ बिल्कुल ठंड के अंदर बैठे रहे, और अब दोस्तों इनको उठा दिया गया है, क्या कहकर कि आपको जो है 15 दिन के अंदर हम ज्वाइनिंग दे देंगे। ज्वाइनिंग कैसे दे देंगे दोस्तों, जब कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, ठीक है। अब कैंडिडेट का ये कहना कि सर ज्वाइनिंग इस बेस पे दे देंगे, कि ये कह देंगे कि भाई सारा डिपेंड करेगा कोर्ट के मैटर के ऊपर, कोर्ट के मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोविजनल हमें ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लग नहीं रहा कि ये 15 दिन में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट से स्टे है, ठीक है, ज्वाइनिंग पर ही स्टे है, और ज्वाइनिंग ही अगर इन्होंने दे दी तो फिर कोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं दोस्तों, सरकार के जो हाथ लंबे चौड़े होते हैं, उनको अपने तरीके से काम करना होता है, ठीक है। जब उनको लगेगा कि हाँ इनकी ज्वाइनिंग दे दो, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें हैंडल करके जो है मतलब एक मैनेज कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें आपको सोल्व करनी ही पड़ेंगी, जो भी इसके रिजल्ट में खामी है तो वो दूर करनी पड़ेगी, नहीं है तो भी आपको जो प्रूव तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने कुछ डिस्कशन आप लोगों के साथ करना था, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें पता लग सकें, एसएससी सीईटी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों ये अखबार कूर की सारी कटिंग या जो भी है, कुरेक्शन पोर्टल की दोस्तों आज लास्ट डेट है, ठीक है। जिसने नहीं किया है वो आप कर सकते हैं, और जिसका मोबाइल नंबर गुम हो गया है और उस वो दोस्तों कैसे करें, उसके लिए भी ऑप्शन जो है आ चुका है, और डायरेक्ट लिंक यहीं पर अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो ये दोस्तों दो चार चीज़ें थी मैंने आपको जो बतानी थी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बीच बीच में पता लगा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।